फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की वूल से, जैसे मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी वूल बच जाती है इनसे, और यहां पर मैंने 10 नंबर की नीडल ली है। तो फ्रेंड्स, इनसे बहुत ही सुंदर एक हम हार्ट शेप में इस तरह से ही हार्ट बना हुआ है, इधर भी और इधर भी और इधर भी हार्ट शेप में हम ये डोरमेट बनाएंगे। इसे आप डोरमेट भी बोल सकते हैं, पायदान भी बोल सकते हैं, टेबल मैट भी बोल सकते हैं, और थालपोस की जगह भी इसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से ध्यान से देखिए 30 फंदे डाल के इस डोरमेट को बनाया है। तो फ्रेंड्स, जितना डिज़ाइन देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत ही आसान डिज़ाइन है। ये देखने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन बनाओगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा ये बना के बताऊंगी। तो जितना डिज़ाइन देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में आसान है। तो चलिए आज हम सुंदर सा ये डोरमेट बनाना सीख लेते हैं कि ये हमने किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिंपल 30 फंदे डाले हैं। 30 फंदे डाल के हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। यहाँ स्टार्टिंग से ही हम एक फंदे को बढ़ाएंगे। तो किस तरह से बढ़ाएंगे, पहले फंदे को बनाइए या उतारिए वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी। जो ये दूसरा फंदा है इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे, एक बार उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके एक बार सीधा बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, लास्ट का एक फंदा रहने तक, यहाँ तक ये एक फंदा छोड़ेंगे तब तक हम इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, पूरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बना लिया। ये एक फंदा हम यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं से धागा पीछे करके वापिस हम टर्न करेंगे। तो अब हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। यहाँ एंड तक हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। ये लास्ट के फंदे को, किनारे वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है ताकि यहाँ से किनारे की फिनिशिंग आए। ये हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई में फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। पहले फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे, आगे हम इस फंदे को दूसरे वाले को उल्टा बना के धागा पीछे करेंगे, एक फंदा फिर से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर। अब हमें क्या करना है, इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाना है, लेकिन पहले एक फंदा छोड़ा था, अब ये हम दूसरा फंदा छोड़ देंगे। पहली सिलाई में एक फंदा छोड़ा था, अब इस सिलाई में हमने ये फंदा और छोड़ना है। तो मैं ये यहाँ तक उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, फिर देखते हैं फंदे को किस तरह से छोड़ेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे दो फंदे बच गए, पहले एक था, अब ये दूसरा भी हमने छोड़ दिया। वापस यहीं से हम टर्न करेंगे। तो अब इस पूरी सिलाई को भी हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। उल्टी साइड से हम कोई भी फंदा न बढ़ाएंगे न घटाएंगे, पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो मैं ये उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। लास्ट के किनारे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये हमने पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लिया। तो अब आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने ये दो फंदे छोड़े हैं एक एक करके, इसी तरह से हम यहाँ से फंदा मैंने छोड़ा है, इधर से दूसरे वाले फंदे पे मैंने फंदा बढ़ाया। तो इसी तरह से हम ये तीसरा और चौथा फंदा भी छोड़ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 फंदे मैंने यहाँ पर एक एक करके छोड़ दिए हैं। चार फंदों में मेरी 1 2 3 4 ही धारियाँ बन के आई। यहाँ पर मैंने एक एक करके चार फंदे ये बढ़ा लिए हैं। तो चार धारियाँ बनने के बाद पांचवी धारी पर आप ध्यान दीजिए किस तरह से, जैसे मैंने ये चार फंदे बढ़ाए हैं उसी तरह से मैं इन चार फंदों को घटाऊंगी। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से ही दो का एक करेंगे, एक फंदा घटाया, फिर से इस फंदे को यहाँ लेके आएंगे, फिर से दो का एक, दो बार दो फंदे कम हुए, फिर से
दो का एक तीन फंदे कम हुए और फिर से दो का एक चार फंदे कम हुए। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये जो पांचवा फंदा आपकी बारी है, पांचवा फंदे को हमने यहाँ पर छोड़ना है। तो यहाँ पर हम और बाकी सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बना लें। ये देखिए मैंने उल्टा उल्टा बना के यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये जो पांचवा फंदा है इसको भी हम यहीं पे छोड़ देंगे। एक एक करके मैंने ये पांच फंदे यहाँ पर छोड़ दिए। वापस यहीं से टर्न करेंगे और यहाँ पर अब हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर हम ये वाइट रखेंगे इस तरह से। इस कलर से हम पूरी सिलाई को उल्टी साइड से ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो मैं पूरी सिलाई सेकंड कलर लगा के और उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया है, लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो देखिए सेम हमारी इस पत्ती की, ग्रीन वाली की, इस तरह से ही इन पत्तियों की तरह ही सेफ आई है। तो अब फिर से हमने, जैसे हमने यहाँ पहली सिलाई से स्टार्टिंग किया था, ऐसे ही हम करेंगे। मैं ये दो सिलाई बता देती हूँ, सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से हम सेकंड वाले फंदे में फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बना के धागा पीछे किया, सीधा फंदा, धागा अपनी ओर। अब हम वाइट कलर वाला फंदा एक लास्ट में छोड़ेंगे। तो किस तरह से छोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, जो ये वाला फंदा है इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, लास्ट वाले को। यहाँ तक हम मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इस फंदे को। सेम इसी तरह से मैं छोड़ूंगी। तो ये देखिए, इस लास्ट वाले फंदे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इस तरह से वाइट वाले को। फिर धागा पीछे करेंगे, आएंगे उल्टी तरफ, उल्टी साइड से फिर से हम पूरी सिलाई को वाइट कलर से ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, लास्ट के फंदे को सीधा। तो ये मैंने पूरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना ली है। अब आएंगे सीधी साइड की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ नीचे से ये ग्रीन वाले फंदे छोड़े थे, इसी तरह से हम यहाँ पर फिर से, ये मैंने पांच छोड़े हैं, एक मैंने छोड़ दिया, ये इस तरह से हम तीन फंदे और यहाँ पर छोड़ लेते हैं। फिर दिखाती हूँ ये पांचवें फंदे को, सेम इसी तरह से हम घटा के तब छोड़ेंगे। तो मैं ये तीन फंदे और छोड़ लेती हूँ इसी तरह से एक एक करके, फिर देखते हैं आगे हम पांचवी सिलाई वाइट वाली किस तरह से बनाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए मैंने एक एक करके चार फंदे छोड़ दिए। अब पांचवें फंदा हमने किस तरह से छोड़ना है, चार फंदे इधर छोड़े, चार फंदे इधर मैंने एक एक करके इस तरह से बढ़ाया। तो पांचवी सिलाई फिर से, जैसे यहाँ पर मैंने पांचवी सिलाई बनाई थी तो चार फंदे बढ़ाए हैं, तो चार फंदे ही घटाएंगे। एक फंदा घटाया दो का एक, ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा, इस तरह से तीन और एक, ये चार, चार फंदे मैंने दो का एक करते हुए घटा लिए हैं। और अब यहाँ लास्ट का हम पांचवा फंदा भी, इधर से हम ये वाला फंदा भी छोड़ देंगे। चार पहले छोड़े थे, पांचवा फंदा ये अब छोड़ देंगे। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए तीन चार और ये फंदा भी मैं यहाँ पर छोड़ दूंगी। टोटल यहाँ पर एक एक करके पांच बार फंदे छोड़े हैं। धागा पीछे करेंगे, यहीं से वापिस हम टर्न करेंगे। अब हम यहाँ पर ये हमने ये वाला हार्ट बनाना है, तो ये हम सेकंड कलर लगा के यहाँ से हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सेकंड कलर लगा के उल्टा उल्टा बना लिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब हमें इस हार्ट की ये वाला पोर्शन बनाना है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम फिर से एक फंदे को ऐसे उतार के अब एक फंदा यहाँ पर फिर से बढ़ाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बनाएंगे।
धागा अपनी हो। अब हम ये दो सिलाई आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी की तरह आपने चार सिलाइयाँ और बना ली। तो जो लास्ट में ग्रीन वाले दो फंदे रहेंगे, पहले हमने एक एक छोड़ा था, अब की बार दो फंदे हम छोड़ेंगे। तो ये देखिए, पहले हमने एक एक करके ये पांच ग्रीन वाले पांच वाइट वाले, अब ग्रीन वाले हमने ये जोड़े के हिसाब से फंदे छोड़ने, दो फंदे छोड़े, धागा पीछे करके अब हमें क्या करना है, अब हमने पूरी सिलाई को इसको उल्टा उल्टा बनाना। तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये मैंने उल्टी साइड से बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से तो हम फंदा बढ़ाएंगे और इधर दो दो करके हम जैसे दो फंदे छोड़ेंगे, फिर दो छोड़ेंगे, फिर दो, फिर दो, फिर दो, टोटल हमने यहाँ पर ऐसे 10 फंदे छोड़ने हैं पांच बार। तो एक बार ये हो गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार और ये पांचवी बार। इधर से फंदा बढ़ाएंगे, इधर से छोड़ते जाएंगे। तो मैं ये पाँच रो कंप्लीट कर लेती हूँ, दो दो फंदे छोड़ के, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम बनाएंगे। जैसे मैंने ये सिलाई बनाई दो फंदे छोड़ के, इसी तरह से आप बनाइए। तो पांच बार ये मैं यहाँ पांच बार छोड़ लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने एक बार दो का, फिर दो, फिर दो, फिर दो, फिर दो, पांच बार मैंने ये इस तरह से दो दो फंदे छोड़ के यहाँ तक बना लिया है। अब फिर से लास्ट ये बचे मेरे पास टोटल 15 फंदे, 15 में से मैं दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक, इस तरह से मैं पांच बार फिर से यहाँ तक फंदों को बढ़ाऊँ, इस तरह से छोड़ूंगी, दो इधर छोड़ूंगी, दो इधर। यहाँ से हमने किस तरह से बनाना, ध्यान दीजिए, पांच बार ये मैंने फंदे छोड़े, पांच बार फंदे छोड़ने से ये हमारी एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच धारियाँ बनी है। अब यहाँ से हमने किस तरह से करना है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा। चेंज क्या होगा, यहाँ पर हम फंदे को बढ़ाएंगे नहीं, अब की बार ये छठी धारी में हमने फंदे को बढ़ाना नहीं है, लेकिन लास्ट में हमने दो फंदे छोड़ देने हैं इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने छठी बार ये फंदे को छोड़ा है इस तरह से। तो हम इसी तरह से टोटल 10 बार दो का एक करते हुए पीछे छोड़ देंगे। यहाँ पर अब हम फंदे को बढ़ाएंगे नहीं, ऐसे ही हमने सिंपली बनाना है। तो अब फिर से हम आएंगे उल्टी साइड की तरफ, उल्टी साइड से फिर से हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। फिर से आएंगे सीधी साइड की तरफ, फिर से हम यहाँ से फंदा नहीं बनाएंगे और यहाँ पर हम दो फंदे फिर छोड़ेंगे। तो इस तरह से लास्ट में मेरे सिर्फ पांच फंदे बचे, तब तक हम दो का एक करते हुए इन फंदों को भी 10 फंदों को छोड़ लेंगे। और यहाँ पर फिर से बताऊँगी, हमने फंदा बढ़ाना नहीं है, सिंपल ऐसे ही बनाते हुए यहाँ पर दो फंदे छोड़ देने। तो मैं छोड़ लेती हूँ दो दो कर 10 फंदे, टोटल यहाँ पर मेरे 20 फंदे रह जाएंगे। तो मैं छोड़ लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे की इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दो का एक करते हुए टोटल यहाँ तक 10 बार छोड़ा है, पांच बार छोड़ा मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में, एक, दो, तीन, चार, पांच। तब तो मैंने यहाँ पर फंदा बढ़ाया था, और जो ये पांच बार ये यहाँ तक मैंने छोड़े हैं, इनमें मैंने फंदा यहाँ पर नहीं बढ़ाया है, लेकिन यहाँ से हमने दो दो फंदे छोड़ती हुई गई हूँ। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 10 फंदे मैंने 10 बार दो का एक करके छोड़ा, यहाँ लास्ट में पांच फंदे ऐसे ही बच गए हैं। तो यहाँ से देखिए, अब मेरी ये गोलाई आनी स्टार्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है कि ध्यान से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह,
12 है, 13 है, 14 है और 15 है। 15 फंदे मैंने यहाँ पर फिर से बनाए जैसे मैंने उल्टे उल्टे बनाए हैं। अब आ जाएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से सभी 15 फंदों को फिर से हम उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ। तो ये मैंने 15 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ध्यान दीजिए। 15 फंदे बनाने के बाद अब हमें यहाँ से घटाना है। घटाने से ये वाली हमारी इस तरह से ये सेव बनेगी। तो किस तरह से घटाना है, मैंने ये इस तरह से घटाएंगे हम यहाँ से। तो पहले फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे। यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करके अब इन फंदों को यहाँ तक मैं उल्टा उल्टा बन लेती हूँ, जहाँ तक ये 15 फंदे थे। फिर 2 फंदे हम यहाँ से इसमें मिलाएंगे, यानी कि 2 फंदे और इसमें हम मिलाएंगे। तो किस तरह से, ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह से लास्ट तक बनाना है। ये 2 सिलाइयाँ आप ध्यान से देखते रहिए। ये यहाँ तक थे मेरे वे 15 फंदे। ये 15 फंदे बनाने के बाद अब 2 फंदे और हम यहाँ से इसमें लेंगे। पहले छोड़ते आए थे, अब की बार हम इनको लेते हुए जाएंगे। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से फिर से हम पूरी सिलाई को, इन फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया। तो सेम इसी तरह से हम, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बचे हैं 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1, 4 जोड़े बचे हैं। चारों जोड़ों को हम यहाँ तक लेके आएंगे और 2 2 फंदे मिलाते हुए यहाँ एंड तक हम जाएंगे। यहाँ से हम 2 फंदे घटाते हुए जाएंगे। एक बार मैंने घटा लिया है 2 का 1, 4 बार और मैं ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 करके घटाऊँगी। तो मैं ये इसी तरह से 2 का 1 2 का 1 करते हुए ये 4 इधर बचे हैं जोड़े, और तो 4 फंदे मैं इधर से घटाऊँगी। तो मैं ये टोटल घटा लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैंने 2 2 फंदे करके सभी फंदों को ऐड कर लिया, और 2 का 1 2 का 1 करते हुए ये मैंने 5 फंदे इधर से बढ़ाए हैं, और 2 का 1 2 का 1 करते हुए 5 बार मैंने ये यहाँ से फंदों को ऐड किया। तो ये हमारा हाफ इस तरह से ये वाला हार्ट बन के रेडी। अब हमने यहाँ से किस तरह से करना है, ध्यान से देखिए। फिर से हमने यहाँ से फंदे को हम बढ़ाएंगे, इधर 2 फंदे हम छोड़ते हुए जाएंगे। सेम जैसे यहाँ से हमने बनाया था, इसी तरह से फिर से हम स्टार्टिंग करेंगे, जैसे यहाँ से पहली सिलाई से बनाया था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम पहले फंदे को उतारेंगे, यहाँ पर हम 1 फंदा ऐसे बढ़ाएंगे धागा अपनी ओर, फिर से हम लास्ट में 2 ग्रीन फंदों को छोड़ देंगे। तो ये 2 सिलाई आप ध्यान से देखिए। फिर आगे हमें 4 धारियां फिर से ऐसे ही बुननी है। तो ये यहां पर 2 फंदे फिर से हम छोड़ेंगे, जैसे यहां नीचे से छोड़ते हुए आए थे। फिर से आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से फिर से हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 2 करके 5 बार फंदों को छोड़ दिया, और यहाँ पर मैंने 5 फंदे बढ़ाए हैं एक एक यहाँ दूसरे वाले फंदे पर। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमने फंदा नहीं बढ़ाना है जैसे यहाँ पर हमने किया था। सेम इसी तरह से फिर से हम 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, 5 बार हम फिर से फंदे यहाँ पर छोड़ेंगे, और इन लास्ट के फंदों तक ये 5 फंदे तक हम बनाएंगे। और यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, जैसे मैं आपको बताऊँगी इस सिलाई में उसी तरह से आप आगे आपको 4 धारियाँ और ऐसे ही बुननी है। तो अब की बार यहाँ पर हम फंदे को नहीं बढ़ाएंगे। और ये देखिए 6ठी बार ये हम यहाँ पर फंदों को छोड़ रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार मैंने पहले छोड़ा था, 6ठी बार अब की बार फिर से छोड़ूंगी, धागा पीछे करूंगी और लास्ट के
उल्टी साइड से हम लास्ट तक फिर से उल्टा उल्टा बना देंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएं। इस तरह से फिर से आएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से फिर से हम किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिए, जैसे पहले वाली सिलाई में मैंने बताया था, फिर से हम यहाँ पर ये दो फंदे छोड़ेंगे, यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, लास्ट पांच फंदे रहने तक हम ऐसे ही दो दो छोड़ते जाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं ये छोड़ लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ तक पांच फंदे रहने तक दो दो करके फिर से पांच बार छोड़ लिया। अब हमें क्या करना, जैसे यहाँ पर हमने ध्यान से देखिए 15 फंदे बनाए थे, इसी तरह से हम ये 15 फंदे फिर से उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 15 फंदे बनाने के बाद ये पांच जोड़े मेरे पास बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहीं से हम वापस उल्टी साइड की तरफ आएंगे और पूरी सिलाई को यहाँ को हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। कि मैंने पूरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लिया। अब आए हैं सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने किस तरह से करना है ये सिलाई आप ध्यान से देखिए किस तरह से हम बनाएंगे। अब की बार यहाँ पर हम दो का एक करेंगे फंदे को, जैसे यहाँ पर किया था, और यहाँ से दो फंदे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो किस तरह से इस सिलाई को ध्यान से देखें, क्योंकि आगे इसी तरह से चार बार और हमने बनाना। पहला फंदा उतारा, अगले फंदे दो का एक किया, फिर यहाँ पर अगले फंदे हम ये उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये हमने जहाँ तक हमने 15 फंदे बनाए थे वहाँ तक बना के आगे से दो फंदों और ऐड करेंगे। ये यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ पर होल ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए यहाँ से एक फंदा उठा के इसमें डाल लेंगे और यहाँ पर जो ये दो फंदे हैं इनको ऐड करना। तो ये फंदा उठाया हुआ और एक ही है, अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो यहाँ पर फंदा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर दो का एक करते हुए होल को हम भर लेंगे और एक फंदा, ये दो फंदे फिर से ऐड किए हैं। यहाँ पर मैंने चार जोड़े और मेरे बचे हैं धागा अपनी ओर, फिर से उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए मैंने दो फंदे रहने तक सभी फंदों को यहाँ से ऐड किया है और यहाँ से घटाया। लास्ट वाली सिलाई है, इसको फिर से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहला फंदा उतारेंगे, दो का यहाँ पर हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब लास्ट तक हम सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। लास्ट के जो दो फंदे बचे हुए हैं उनको भी हम इसी में ऐड करेंगे। तो ये दो फंदे लास्ट में बचे हैं इनको भी ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर जहाँ पर भी आपका गैप दिखाई दे तो ऐसे पलट के पीछे से आप फंदा उठाइए इस तरह से, और इस होल को भरने के लिए आप यहाँ पर डालिए इसके साथ अगले वाला, ये दो का एक इस तरह से फंदा बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे होल की भराई हो चुकी है इस तरह से। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से यहाँ से हमने अब की बार ध्यान से देखिए ये अपना वाइट कलर लगाना है इस तरह से, और पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को वाइट कलर से उल्टा उल्टा बना लिया। अब हमारा ध्यान से देखें ये हार्ट की शेप बिल्कुल बन के पूरा हार्ट रेडी है।
अब हमने यहाँ तक तो हमारा ये बन चुका है, अब ये दो पत्तियाँ फिर से बनानी है। तो किस तरह से बनाएंगे, एक पत्ती में वाइट वाली आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर अगले वाली आप खुद बनाइए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेम जैसे यहाँ से बनाते हुए आए थे, इसी तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पहले फंदे को उतारेंगे, यहाँ पर हम एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे इस तरह से। ये सिलाई ध्यान से देखिए, क्योंकि अगली चार सिलाइयाँ और आपको ऐसे ही बनानी है। तो अब हमने यहाँ पर ये उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। तो लास्ट में जो ये पांच फंदे हम छोड़ते आए थे, अब की बार इनको हमने एक एक करके ही, जैसे एक एक छोड़ा था, इसी तरह से हम एक एक करके ऐड करेंगे। तो पीछे से हम ऐसे फंदा उठाएंगे ताकि यहाँ पर ये होल न बने, इस तरह से, इस तरह से इस फंदे को उठाएंगे और यहाँ रख के अब एक फंदा ये वाला ऐड कर लेंगे इसमें। जैसे एक एक फंदा छोड़ते हुए आए थे, इस तरह से हमारी ये धारी से धारी मिलती हुई जाएंगी। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ, उल्टी साइड से फिर से हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया है। एक बार और मैं आपको एक धारी और बना के बता देती हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो और अच्छी तरह से ये धारियाँ इसमें इस तरह से ऐड करने आ जाए। तो एक फंदा फिर से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो किस तरह से यहाँ से हम फंदे को बढ़ाएंगे, जैसे हमने शुरू में पत्ती बनाई थी, इसी तरह से हम ऐसे फंदा बढ़ाएंगे। अब आगे फिर से हम उल्टे उल्टे फंदे बढ़ाएंगे। चार फंदे हमारे लास्ट में बचे हैं वाइट वाले, एक एक करके जो छोड़े थे। अब की बार हमने यहाँ पर दूसरा फंदा ऐड करना है। एक फंदा हमने पहली सिलाई में ऐड किया था, एक फिर से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एक पहली सिलाई में किया था, ये चार फंदे बचे हैं। फिर से एक फंदा यहाँ से हम उठाएंगे, ताकि यहाँ पर ये होल नजर आ रहा है, ये होल न बने। यहाँ से उठाएंगे, ऐसे रखेंगे इसको और साथ वाले को दो का एक करेंगे। अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो एक फंदा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमने दो का एक करना। तो ये हमारा होल यहाँ पर भर गया। तो यहाँ पर फिर से देखिए, पूरी सिलाई को हम पहले फंदे को ऐसे उतार के उल्टा उल्टा बना लेंगे, लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। अब आएंगे अगली साइड की तरफ। तो जैसे हमने यहाँ से फंदा बढ़ाया है, यहाँ से हमने ऐड किया है, तो ये दो फंदे और मैं ऐसे ही ऐड कर लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे पांचवें वाले फंदे में, लास्ट वाले में किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर चार फंदों को ऐड कर लिया, यहाँ पर एक फंदा बचा है। तो चार फंदे ऐड करने से हमारी चार धारियाँ बन के आई। पाँचवीं धारी में जैसे यहाँ से हमने फंदे घटाए थे, सेम उसी तरह से हम फंदे घटाएंगे। चार फंदे इधर बड़े हैं, तो चार फंदे ही हम इधर से घटाएंगे, दो का एक इस फंदे को इसमें डालेंगे। ये एक फंदा घटा, ये दूसरा फंदा, और ये यहाँ पर हमने तीसरा फंदा घटाया, और ये चौथा फंदा। चार फंदे ये यहाँ पर घटे। अब हम लास्ट वाइट कलर तक जो एक फंदा बचा है, वहाँ तक हम इसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए, ये लास्ट वाला फंदा बचा हो और यहाँ पर होल बनेगा। तो यहाँ से फंदा उठाइए और यहाँ रखिए और दोनों को दो का एक बना लीजिए। ये देखिए, हमारी इस तरह से वाइट कलर से वाइट कलर की धारी बिल्कुल बनती हुई आई है। सेम इस तरह से जैसे ये बना है, इसी तरह से इसको बनाया। जैसे वाइट पत्ती बनाई है हमने, इसी तरह से हम सेम ग्रीन पत्ती बनाएंगे। तो अब हम यहाँ से
उल्टे साइड से ग्रीन वाला कलर लगाएंगे। यहाँ पर हम पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा उल्टे साइड से बुन लेंगे। तो मैं ये उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हमें क्या करना, जैसे हमने वाइट कलर का ये हमारी पत्ती बनाई है ये वाली, इसी तरह से हम यहाँ पर ग्रीन कलर की बनाएंगे। यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे, यहाँ से हम ग्रीन कलर का 5 फंदे एक एक करके ऐड करते हुए आएंगे। 4 बार ऐड करने के बाद जो लास्ट का फंदा होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम 4 फंदे हमने जो बढ़ेंगे उनको हमने घटा के इस लास्ट वाले फंदे को भी ऐड करना है। तो आप इसी तरह से बना लीजिए। अगर मैं बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है और आपको समझ में भी आ गया होगा, इसलिए आप इस ग्रीन पत्ती को सेम वाइट कलर की तरह ही बना लीजिए। एक एक फंदा इधर से ऐड करिए और इधर से बढ़ाइए। और लास्ट वाले फंदे में आप फिर से बताऊंगी, 3-4 फंदे यहाँ से घटा के और लास्ट वाले 5वें फंदे को भी आप ऐड कर लीजिए। तो आप अगर इसी तरह से आप बनाते हुए जाएंगे तो आपकी ये एक इस तरह से ये डिज़ाइन बन के आएगा। तो आप इन्हीं डिज़ाइनों को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। फ्रेंड्स, तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, इसे आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई हो, बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई सुंदर सी अच्छी सी वीडियो के साथ।